शेयर मार्केट आज भी खुला है दोस्तों। जी हाँ, सभी के लिए शेयर मार्केट आज भी खुला है। अब चलिए बताते हैं कि कौन सा स्टॉक मार्केट खुला है और कहाँ का खुला है। तो डाउ जोन्स खुला है, नैसडैक खुला है, रसेल 2000 खुला है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुला है, आपको चाइना स्टॉक मार्केट खुला है, जापानी जकार्ता, इंडोनेशिया, इंग्लैंड और सभी विदेशी मार्केट खुला है। सिर्फ और सिर्फ भारत के स्टॉक एक्सचेंज बंद है दोस्त, क्योंकि आज छुट्टी कल छुट्टी, सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में छुट्टी है, बाकी देशों में कहीं 2 दिन, अभी 2 दिन स्टॉक मार्केट चलेगा दोस्तों। ये जान लीजिए कि भारत के अलावा किसी भी देश में कहीं भी कोई हॉलीडे नहीं है, और इसलिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट जिसके पास रहेगा वो ऑलरेडी 24 घंटा, और एक बात और बता दूं, नहीं जानते नए शेयरधारकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी, और आप जान लीजिए कि दुनिया में कभी भी स्टॉक मार्केट नहीं बंद होता है, 24 घंटा स्टॉक मार्केट खुला रहता है। अब ये रह गया कि कौन सा देश में कहाँ चल रहा है, तो इसीलिए अगर आपकी पकड़ है, आप इन ट्रेडर हैं एक, तो आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए, क्योंकि आप एक ट्रेडर हैं, और ट्रेडर हैं तो आपको 24 घंटा आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए, इसलिए कि कल क्या होगा किसने देखा दोस्त, कल क्या होगा किसने देखा। और ये मैं बता दूं कि 24 घंटा ओपन रहता है, अगर इंडिया में 9:15 से 3:30 तक चलता है, तो जैसे और किसी देश में भी चलते रहता है। और दूसरी तरफ अमेरिकी स्टॉक मार्केट, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, डाउ जोन्स और नैसडैक, रसेल, S&P 500, ये सारे के सारे स्टॉक जो है 11 घंटा के आसपास के डिफरेंस में चलते हैं। अगर यहाँ सुबह हुआ है तो वहाँ शाम होता है, और जैसे हमारा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा, उधर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज शुरू हो जाएगा, उधर रसिया का शुरू हो जाएगा। बाकी स्टॉक एक्सचेंज जितने भी आपको जो 240 देश हैं, सभी के सभी जो है स्टॉक मार्केट में कभी, इसलिए 24 घंटा स्टॉक मार्केट खुला रहता है। अब रह गया कि कौन सा स्टॉक मार्केट में आपका क्या पकड़ है, तो हम धीरे धीरे आपको हर दिन एक एक कंट्रीज का, एक एक देश का स्टॉक मार्केट के बारे में बताते रहेंगे। और आज भी अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज खुला है, जी हाँ, नहीं जानते तो जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया और सेंसेक्स, ये सारे के सारे भारतीय बाजार जो है 2 दिन बंद रहेंगे। लेकिन हमारा ट्रेडिंग थोड़ी बंद रहेगा, हमारा वर्क थोड़ी बंद रहेगा, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल ट्रेडर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अकाउंट होता है उसकी, जिसके पास भी डीमैट अकाउंट होगा, वो ऑलरेडी दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट में खरीद बिक्री कर सकता है दोस्तों, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो जिसको कभी भी बंद नहीं रहे, दुनिया में कहीं भी कुछ भी बंद रहे, सिर्फ एक दिन पूरा दुनिया वर्ल्ड लेवल पे स्टॉक मार्केट बंद रहता है, आप नहीं जानते तो जान लीजिए, सिर्फ एक दिन पूरी दुनिया में एक ही साथ दिन और रात सभी बंद रहते हैं, और उस वो है 25 दिसंबर, जी दोस्तों, बड़ा दिन जिसको बोलते हैं क्रिसमस डे, तो ये मेरी क्रिसमस डे 25 दिसंबर को पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट एक ही साथ बंद रहता है, बाकी कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे, अगर कोई इमरजेंसी हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे युद्ध हो गया, बाढ़ हो गया, आपातकालीन हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया, तो इस तरह का मार्केट में कभी बंद हो गया तो हो गया, लेकिन होलीडे के नाम पर पूरी दुनिया में एक दिन ज़रूर बंद रहता है पूरा स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड का, तो ये आपको एक जानकारी ज़रूर जाननी चाहिए। सोमवार की बात MBA BK सिंह के साथ में हमारा एक 65 एपिसोड है, उसको जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, इंट्राडेटेक मुंबई में आपका कोटि कोटि आभार और बहुत बहुत स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर हमारा पिछला वीडियो देखिए, और 2021 का 2-3 वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि ये चैनल स्टॉक मार्केट में क्यों आया, हमारी क्या मजबूरी थी कि आपको बनाने के लिए, इसलिए कि नए शेयरधारकों की जो नुकसान होना है वो तो
हो गया, लेकिन अब नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्रण है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं।